सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप लोन कैसे ले सकते हैं गाइस। जैसे कि गाइस, अगर आपको भी लोन का काफ़ी ज़रूरत है और आप काफ़ी परेशान हो चुके हो गाइस और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा गाइस, तो आज की वीडियो हम यही बात करने वाले हैं कि गाइस कि आप लोन कैसे ले सकते हैं गाइस। जैसे ये एक एप्लीकेशन है गाइस जो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, और इसका मैं रेटिंग का बात कर लूँ गाइस तो 4.3 का गाइस रेटिंग है और ये लगभग 50 मिलियन गाइस यहाँ पर डाउनलोड है गाइस, जो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस 50 मिलियन डाउनलोड है गाइस। और मैं इसका कुछ आपको जैसे बता देता हूँ, आपको 10,000 से लेकर 1,00,000 तक का आपको ये एप्लीकेशन गाइस लोन देता है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पर जो आप एक चीज़ और देख लो गाइस, ये 62 दिन से लेकर आपको 6 मंथ तक लोन देता है ये एप्लीकेशन, जो 62 दिन से लेकर गाइस ये आपको 6 मंथ तक लोन देता है गाइस। और गाइस मतलब जैसे ये बता देता हूँ गाइस, जैसे अगर आप 10,000 का लोन लेते हो गाइस तो आपको 3 महीना के लिए गाइस ये एप्लीकेशन लोन देगा और इंटरेस्ट गाइस 2.4 लेगा गाइस, ठीक है, 2.4 पर मंथ गाइज आपसे इंटरेस्ट लेगा। और गाइज प्रोसेसिंग फीस का गाइज बात कर लेते हैं गाइज, तो ये 708 गाइज आपसे प्रोसेसिंग फीस लगता है गाइज पर मंथ गाइज प्रोसेसिंग फीस। और गाइज इंटरेस्ट का गाइज बात कर लेते हैं, 477 आपको इंटरेस्ट गाइज लगेगा, ठीक है। और उसके बाद गाइज टोटल अगर जैसे EMI आपको बता देते हैं 3492 रुपया गाइज, और टोटल अमाउंट आपको बता देता हूँ, जैसे कि टोटल अमाउंट आपको पर मंथ आपको गाइज लगेगा 11,185 जो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, ठीक है। ये गाइज RBI रजिस्टर ये है, ठीक है गाइज, ये आपको 10,000 से लेकर 1,00,000 तक का आपको लोन ये ऐप देगा गाइज, और ये RBI रजिस्टर ये ऐप है गाइज। आपको ये एप्लीकेशन गाइज ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ गाइज, तो चलिए एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं गाइज। तो गाइज ये है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन गाइज, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ गाइज, आप वहाँ से भी जाकर ये एप्लीकेशन को गाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। जैसे गाइज आप एप्लीकेशन को गाइज ओपन करोगे गाइज तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा जो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइज आपको यहाँ पर जो देख सकते हो नीचे आपको एक एग्री का गाइज आपको ऑप्शन आता है, एग्री एंड कंटिन्यू गाइज, तो आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर आपको जैसे एग्री एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करोगे गाइज तो यहाँ पर जो देख सकते हो सबसे ऊपर आपको एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा आई एग्री टू ऑल गाइज, तो आपको आई एग्री टू ऑल पे क्लिक करके फिर से आपको नीचे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है गाइज। जैसे आई एग्री जैसे एग्री पर आप फिर से क्लिक करो गाइज तो आपके सामने 3 प्रकार का आपको लोन दिया जाएगा, एक लेवल अप लोन दिया जाता है, एक वेलकम लोन, एक लोन मार्केट गाइज। तो आपको गाइज लेवल अप लोन का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो गाइज कि आपको 5,000 से लेकर 1,00,000 तक आपको लोन मिलेगा, ठीक है गाइज, और मंथली इंटरेस्ट आपसे 2.4% गाइज आपसे लगेगा, और आपको ये 3 महीना से लेकर आपको 6 महीना के अंदर में आपको ये रिपेमेंट करना है, ठीक है गाइज, और प्रोसेसिंग फीस 0-15% आपसे लगेगा गाइज। और गाइज आप बात कर लेते हैं गाइज कि लेवल अप लोन पर कितना आपको लगेगा गाइज, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज कि लेवल अप लोन का भी मैं आपको आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो गाइज कि क्रेडिट अमाउंट मतलब आपको यहाँ पे 1,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपको लोन मिलेगा, और मंथली इंटरेस्ट आपसे 2.4% लेगा और 3 मंथ के लिए आपको लोन देगा, और प्रोसेसिंग फीस ये 0-15% आपसे लगेगा, ठीक है। और गाइज उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वेलकम लोन गाइज, ठीक है, वेलकम लोन का भी गाइज आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो देख सकते हो नीचे कि क्रेडिट मंथ गाइज आपको 1,000 से लेकर 6,000 के बीच में आपको ये वेलकम लोन देगा, ठीक है, और 6% आपसे मंथली इंटरेस्ट लेगा, और आपको ये 62 दिन के लिए लोन देगा, और 0-10% आपसे प्रोसेसिंग फीस लगेगा, ठीक है। उसके बाद गाइज लोन मार्केट का भी जैसे गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज कि अब लोन मार्केट में भी आपको लगेगा 25,000 से लेकर 4,00,000 बीच में आपको लोन देगा, ठीक है। तो ये गाइज लोन मार्केट पीछे आप देख सकते हो गाइज, तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर गाइज आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर गाइज क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है गाइज, तो चलिए हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर जो देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टार्ट का ऑप्शन आता है गाइज, तो आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट वाले ऑप्शन पर गाइज आप क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्टर नाउ का आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे आपको अपना मोबाइल नंबर से गाइज इसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर जो देख सकते हो नीचे आपको कोई यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गाइज, तो इसको कर लेना, ठीक है। जैसे आप रजिस्टर कर लोगे गाइज तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। अगर आप नए यूजर हो गाइज तो यहाँ पे आप ये जो देख सकते हो यहाँ पे नीचे लिखा है डिडेड हैव एनी अकाउंट गाइज, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके गाइज अपना पासवर्ड डाल देना, उसका गाइज आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा गाइज, और OTP गाइज ऑटोमेटिक ले लगाइज। जैसे OTP ले लगाइज तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाए जो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज। तो गाइज यहाँ पर जो देख सकते हो कि एक आ जाता है मतलब अप टू 50,000, ठीक है गाइज, और एक आ जाता है लेवल अप 1,000 टू 15,000। और गाइज यहाँ पे काफ़ी सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो यहाँ पर आप देख सकते हो। रेफर अर्न का गाइज आप रेफर करके भी इसमें पैसा कमा सकते हो, मतलब DTH रिचार्ज भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैस, मतलब हर बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं
लेवल अप लोन गाइस, ठीक है, हमको लेवल अप लोन चाहिए गाइस। तो चलिए हम लेवल अप लोन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे गाइस इस पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे आपको मतलब इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा जो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको इस दोनों में टिक कर देना है और यहाँ पे जो नीचे एक आपको ऑप्शन मिलता है एग्री एंड कंटिन्यू गाइस, तो इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए गाइस हम इस पे क्लिक कर लेते हैं गाइस। जैसे आप इस पर क्लिक कर लो गाइस, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एग्री एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, फिर आपको स्किप करके यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको फिर एक ऑप्शन मिल जाता है गेट स्टार्टेड का गाइस, तो आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। जैसे गेट स्टार्टेड पर गाइस क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि मुझे 5,000 का लोन दे रहा है ये एप्लीकेशन, ठीक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस उसके बाद गाइस यहाँ पर जो देख सकते हो कि चेक माई क्रेडिट लिमिट गाइस, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस इस पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो 5,000 से आप नीचे तक आप लोन ले सकते हो, 5,000 तक भी आप लोन ले सकते हो। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जा गाइस जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको गाइस केवाईसी करना है, जो यहाँ पर देख सकते हो गाइस केवाईसी में आपको मतलब कुछ डॉक्यूमेंट लगाना है, ठीक है। सिलेक्ट ऑफ लोन अप्लाई मतलब यहाँ से आपको केवाईसी कर लेना है और उसके बाद गाइस नीचे जो होता है प्रोसेस गाइस, तो इस पर क्लिक कर देना। चलिए गाइस हम केवाईसी पहले कर लेते हैं गाइस। जैसे गाइस केवाईसी करने के लिए गाइस मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे इंटर ये पैन कार्ड नंबर गाइस, अपना पैन कार्ड यहाँ पर दे दिया। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे गाइस पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे, उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा आपके पैन कार्ड आईडी का गाइस, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे प्रोसेसेड हो गाइस आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस इस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे वेरीफाई मांगेगा गाइस, तो यहाँ पे आपके नंबर पे ऑटोमेटिक कोड आ जाएगा गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आया है योर केवाईसी सक्सेसफुल डन गाइस, जो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है गो टू कैश लोन गाइस, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइस इस पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप किस पर्पज से लोन लेना चाहते हो, मेडिकल से या मतलब अपना घर रिपेयरिंग करना चाहते हो, मतलब बिजनेस के रिलेटेड आप लोन लेना चाहते हो गाइस, तो इसमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे गाइस इसमें सेलेक्ट करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप मतलब मैरिज हो या सिंगल हो गाइस, तो हम सिंगल पे गाइस क्लिक कर लेते हैं। जैसे गाइस सिंगल पे क्लिक करोगे गाइस, तो आपसे एजुकेशन पूछिए आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो गाइस, तो इसमें से आपको जैसे कि इसमें से आपको कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेना है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो आप 10th में हो या मतलब जिसमें हो गाइस आपको उसमें से मतलब ग्रेजुएशन में जो भी हो आपको गाइस जिसमें से एक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे उसमें गाइस सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप गाइस, ठीक है, मतलब आप किस टाइप को गाइस, तो आपको इसमें से भी कोई सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जो आपको वही सिलेक्ट कर लेना गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे आ जाता है डू यू हैव ए जॉब गाइस, तो गाइस यहाँ पे आपको सैलरी आता है या सेल्फ इम्पोर्टेंट या स्टूडेंट हाउसवाइफ गाइस, ठीक है, तो गाइस इसमें से भी आपको कोई सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आता है व्हाट इज योर एम्प्लॉयर टाइप गाइस, ठीक है, इसमें से भी आपको मतलब जो भी हो गाइस आपको यहाँ से भी एक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शन आ जाता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग गाइस, ठीक है, मतलब आप कितने साल से काम कर रहे हो, मतलब आप 1 साल से कर रहे हो, 1 साल से 2 साल से कर रहे हो, 3 साल या 5 साल से कर रहे हो, मतलब कोई सा भी आपको सिलेक्ट कर लेना है जो जितने साल से आप वर्क करते हो, ठीक है, मैं 1 साल से करता हूँ, मैं 1 साल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी शॉप, मतलब आपका अगर कोई कंपनी गाइस तो आप यहाँ पे अपना कंपनी का नाम डाल सकते हो गाइस, ठीक है, तो यहाँ से डाल लेना। उसके बाद गाइस आ जाता है ऑप्शन आपको इन व्हाट फाइल इंडिकेशन योर वर्क गाइस, तो आपका मतलब कौन सा आप मतलब काम करते हो गाइस, इसमें से आपको कोई सा भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ से आप मतलब कितना इनकम आपको मंथली आ जाता है गाइस, तो यहाँ पे अपना इनकम डाल दीजिएगा, ठीक है। इनकम डालने के बाद गाइस यहाँ से आपको आई एग्री पे गाइस क्लिक करना, मुझे 25,000 का गाइस, मैं 25,000 करके यहाँ से आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आ जाता है कि मतलब वी डू रिसीव योर मंथली गाइस, मतलब आपको मंथली इनकम गाइस, ठीक है, मतलब आपका मंथली इनकम क्या गाइस, तो इसमें से भी आपको सेलेक्ट कर लेना, जो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन आता है, इसमें से आपको कोई सा भी मतलब सेलेक्ट कर लेना, 1 मंथ में मिलता है, 2 मंथ में, 3 मंथ में, आपको कितना मंथ में आपको इनकम मिलता है, ठीक है, तो इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद गाइस हाउ डू यू रिसीव योर इनकम गाइस, आपको जो इनकम मिलता है वो आपके मतलब क्या क्या चीज़ में मिलता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं गाइस कि आपके बैंक अकाउंट में मिलता है या आपके मतलब बैंक चिप इसमें मिलता है या कैसे मिलता है आपको, ठीक है, तो इसमें से आप तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए जैसे आपको मंथली मिलता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आ जाता है यू हैव एक्सपेंडेड लोन बिफोर गाइस, तो गाइस आप मतलब लोन मतलब क्यों लेना चाहते गाइस, तो इसमें से कोई सा भी आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस गाइस, अपना ईमेल आईडी से गाइस इसको लॉगिन कर लेना, ठीक है, तो यहाँ से अपना ईमेल आईडी पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद गाइस जैसे अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दोगे गाइस, तो उसके बाद यहाँ पर जो देख सकते हो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे देख सकते हो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिलता है वैलिडेट माई लोन गाइस, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल गाइस, तो आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे वेरीफाई कर लो गाइस तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि मतलब मेरा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया, जो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार से इसको मतलब कर देना है गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब प्लीज वेट
वी आर चेकिंग योर इंटरेस्ट क्रेडिट लिमिट गाइज, ठीक है। तो मतलब आपका जो लिमिट है गाइज वो अभी मतलब सर्चिंग ले रहा है गाइज, तो आपका लिमिट क्या गाइज यहाँ पर जो देख सकते हो गाइज, तो अभी सर्चिंग लेने देते गाइज। तो गाइज यहाँ से देख सकते हो गाइज कि मैं यहाँ से लोन अप्लाई मतलब करने के लिए गाइज मैं इस पर क्लिक करूँगा गाइज, तो मेरा लोन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट डन गाइज। यहाँ से जो देख सकते हो कि फिर से एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट का गाइज, तो वो सबमिट पर क्लिक कर देना गाइज। तो सबमिट पर गाइज जैसे ही क्लिक करोगे तो मतलब आप मतलब किस में लेना चाहते हो, आप मतलब बैंक में लेना चाहते हो, अपना बैंक अपना अकाउंट अपलोड करो, या अपलोड मतलब नेट बैंकिंग आप लेना चाहते हो, जिसमें लेना चाहते हो उसको आपको अपलोड कर देना गाइज, ठीक है। उसको अपलोड करने का गाइज आई कॉन्फर्म पर गाइज आपको क्लिक कर देना गाइज। बट मुझे गाइज लोन का कोई ज़रूरत नहीं गाइज, अगर आपको लोन का जरूरत है गाइज तो आप भी इसी प्रकार से गाइज आप लोन ले सकते हैं गाइज। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया गाइज तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए गाइज। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय।